बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी शख्सियत के कितने रंग हैं इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को गौर से देखने पर उनके व्यक्तित्व में कई तरह की विविधताएं दिखती हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय से निकले अंबेडकर एक राजनीति शास्त्री के तौर पर गहरी छाप छोड़ते हैं, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हुए बाबा साहेब का व्यक्तित्व एक कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर निखरता है। लंदन यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर की डिग्री लेकर बार में प्रवेश करना उन्हें कानूनविद के तौर पर स्थापित करता है। इस पूरे दौर में यानी करीब 1912 से लेकर 1926 तक का वक्त बाबा साहब के व्यक्तित्व को समग्रता देता है, एक ऐसी समग्रता जिसके साए में बाबा साहब जल सत्याग्रह, मंदिर में प्रवेश के आंदोलन के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के तौर पर नजर आते हैं। तो गोल में सम्मेलनों में कुशल कूटनीतिज्ञ की छवि दिखती है। असल में बाबा साहेब के व्यक्तित्व का ये वो रंग है जो उन्हें अपने समकालीन तमाम विद्वानों और नेताओं की कतारों में सबसे आगे खड़ा करता है। हर विषय पर बाबा साहेब का चिंतन उन्हें खास बनाता है, सही मायनों में भारत के रत्न के तौर पर स्थापित करता है। ये बाबा साहेब के चिंतन की विराटता का ही नतीजा है कि तमाम मुश्किलों के बाद हिंदुस्तान चट्टान की तरह मजबूत खड़ा है। हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे अलग, सबसे अनूठा है। बाबा साहब अंबेडकर का जो व्यक्तित्व, जो सही मायने में उनका जो व्यक्तित्व है वो उभर के आएगा, क्योंकि जो इस कांग्रेस सरकार ने या किसी भी सरकारों ने जो उनको भारत रत्न की डिग्री वो उपाधि बाद अभी दी पिछले कुछ वर्षों पहले, मुझे लगता है कि उनको वो उपाधि उनके जीवन काल में ही मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर मल्टी डायमेंशनल इस व्यक्तित्व के निखरने की वजह क्या रही होगी, आखिर संघर्ष से निकले विचारों की बुनियाद कहां तैयार हुई होगी। तो इसका जवाब भी बाबा साहब की जीवन यात्रा से आसानी से मिल जाता है। इन सवालों को समझने के लिए आपको कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट धारक या लंदन यूनिवर्सिटी के बैरिस्टर से अलग उस भीमराव रामजी सकपाल के संघर्ष को समझना होगा जो महू से शुरू होकर बंबई यूनिवर्सिटी तक दिखता है। जिस दौर में भीमराव का जन्म हुआ उस दौर में महार जात के लोगों का उच्च शिक्षा तक पहुंचना एक सपने जैसा ही था, मगर भीमराव के पिता रामजी सकपाल ने शिक्षा के महत्व को बखूबी समझा और उन्होंने भीमराव को प्रेरित किया, उन्हें स्कूल भेजा। ये वो दौर था जब बालक भीमराव को कई मुश्किल परिस्थितियों से जूझना पड़ा। बाल मन पर भेदभाव की गहरी चोट तब लगी जब स्कूल में भी उन्हें अलग बैठाया जाने लगा। स्कूल का चपरासी भी पानी ऊपर से पिलाता था, शिक्षक भी ठीक से ध्यान नहीं देते थे। 1894 में भीमराव के पिता रिटायर हो गए। स्कूल में पढ़ते वक्त भीमराव की मुलाकात महादेव अंबेडकर नाम के एक शिक्षक से हुई जो उन्हें बेहद स्नेह करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम में सरनेम अंबेडकर जोड़ा। 1898 में अंबेडकर का पूरा परिवार बंबई चला आया। यहाँ के एल्फिस्टन रोड स्थित हाई स्कूल में अंबेडकर पहले अछूत छात्र बने। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर बंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इस दौरान ही बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय से अमेरिका में शिक्षा लेने के लिए 25 रुपए प्रतिमाह का वजीफा मिला। 1912 में बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में डिग्री ली, मगर पिता की मृत्यु के बाद मुंबई वापस आ गए। उनके गुरु कहीं ना कहीं ऊंची जाति से थे, बट एज अ व्यक्ति उनका जो प्रभाव था बाबा साहब पर बहुत ज्यादा था, और बाबा साहब ने अपनी लड़ाई को लड़ने में, अपनी जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष को लड़ने में इन गुरुओं के विचारों से ही कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए। उनके उस जीवन में इस प्रकार के ऐसे कई शिक्षक थे, ऐसे महानुभाव थे जिनके उनके कई मित्र थे, उन्होंने जितने भी संपादन पत्र पत्रिकाएं निकाली उनके साथ ही ब्राह्मण थे, इसलिए मेरा ये मानना है कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, ना कि किसी ब्राह्मण व्यक्ति के खिलाफ थे, वो आडंबर के खिलाफ थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वापसी के बाद वादे के मुताबिक अंबेडकर ने बड़ौदा रियासत में सेना सचिव के पद पर नौकरी की, मगर यहाँ भी उनका पीछा सामाजिक स्थिति से नहीं छूटा। बाकी बातें इतिहास है। बाबा साहब दोबारा कोल्हापुर महाराज के सहयोग से लंदन पहुंचे और फिर संघर्ष करते हुए तमाम डिग्रियां हासिल की। दरअसल बाबा साहब की युवावस्था में घटित हुई ये वो तमाम घटनाएं थी जिन्होंने बाबा साहब के व्यक्तित्व को चट्टान की तरह मजबूत बनाया। बाबा साहब ने
भोगे गए हर अपमान का बदला वैचारिक संघर्ष से लेने का मन बनाया। बाबा साहेब जब सामाजिक स्थिति के बारे में सोचते थे तो उस वक्त अगर उन्हें स्कूल से लेकर बड़ौदा में हुआ अपमान याद रहता था तो साथ ही वो लोग भी याद थे जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, उन्हें खड़ा होने में मदद की। शायद यही वजह है कि बाबा साहेब की तर्कवादी विचारधारा और मजबूत हो गई। उनका ये मानना था कि मेरे जैसा शिक्षित आदमी जो विश्व के सर्वाधिक अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ा है, उच्चतम डिग्रीज हासिल लेकर के आया है, उस व्यक्ति के साथ भी अगर यह समाज इस तरह का दुराव रखता है तो जो जन सामान्य अनपढ़ हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। वह बाबा साहब अंबेडकर जो बहुत बड़े कानूनविद या बहुत बड़े शिक्षार्थी या बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो सकते थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। बाबा साहेब ने अपने जीवन की रेखा अपने अनुभवों के आधार पर खींची। बाबा साहेब एक ऐसे प्रतीक बने उस समुदाय के लिए जिसे आमतौर पर अछूत मानकर समाज की मुख्यधारा से ही अलग माना जाता था। उस दौर में महार जात के किसी बालक का अमेरिका या लंदन जाकर पढ़ाई करना एक बड़ी घटना थी। इन घटनाओं ने बाबा साहब को तत्कालीन दलित समुदाय में खासी लोकप्रियता प्रदान की। कितने फैशी हैं ये लोग। बाबा साहब प्रेरणा स्रोत तो बने ही, एक केस स्टडी भी बन गए उन लाखों अछूत परिवारों के लिए जिनके बच्चे चाहकर भी सामाजिक बंधनों को काट छाट नहीं पाते थे। हम हमेशा कानून का पालन करते हैं और याद रखिए तालाब कानूनन सबके लिए खुला है। बाबा साहब का खुद का अनुभव इतना काफी था कि वो अस्पृश्यता से जुड़े तमाम विषयों पर लंबे तर्क कर सकते थे। ऊपर से लाखों लोगों की आस्था ने उन्हें जननेता के तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया। बाद में अपने सामाजिक न्याय के आंदोलनों के जरिए बाबा साहब ने अपने चाहने वालों की धारणा को मजबूती भी प्रदान की। देखिए बाबा साहब जो समाज की समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए अपने को समर्पित होना चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने उस समाज में अव्यवस्था देखी, उसमें बुराइयां देखी, उन बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए। इसलिए बाबा साहब कोई बहुत अच्छा पद ले सकते थे, बहुत अच्छे ऐसो आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सभी चीज़ों को छोड़ा और समाज के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए उन्होंने जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। जरा कल्पना करिए एक ऐसे समुदाय की जिसे पानी तक पीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती हो। जिसे मंदिर में प्रवेश तक की अनुमति ना रही हो। उस समुदाय से एक शख्स दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर अपनी बात को मजबूती के साथ उनके सामने रखे तो यकीनन ये उस समुदाय के लिए गर्व का क्षण होगा। बाबा साहब उस दौर में अपनी शख्सियत के चलते स्वतः ही जननेता के तौर पर स्थापित होते चले गए। बाबा साहब पर अब करोड़ों लोगों की उम्मीदों का भार था, सो बाबा साहब ने वो सब कुछ किया जो उन्हें एक जननेता के तौर पर करना चाहिए था। फिर चाहे उस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से भिड़ जाने का सवाल ही क्यों न रहा हो, बाबा साहब ने दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर, भारत के प्रमुख विद्वान के तौर पर लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। वहां भी हिंदुस्तान की सामाजिक पीड़ा का जवाब तलाशने और समाधान देने की कोशिश की। इसी कोशिश का नतीजा थी उनकी वो मांग जो सेपरेट इलेक्टोरल के तौर पर की गई थी। उन्होंने दलितों के जो पॉलिटिकल राइट्स थे, सबसे पहले उन्होंने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की। और आखिर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने दलितों को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, एक अलग जो है अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी। और वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग मताधिकार, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, उसको उन्होंने स्वीकृति वहां पर दिलवाई। बाबा साहेब ने दूसरे गोल में सम्मेलन दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की। इसके तहत अम्बेडकर चाहते थे कि दलित अपने संभावित उम्मीदवारों में से चुनाव के द्वारा चार संभावित उम्मीदवार चुने, फिर इनमें से संयुक्त निर्वाचन चुनाव के जरिए एक नेता चुना जाए। गोलमेज सम्मेलन में इस पर सहमत भी बन गए। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी पहुंचे थे। भारत वापस लौटने पर गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। इसी बीच गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ पुणे की येरवडा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरे देश में माहौल बदलने लगा।
भारी दबाव के बीच अंबेडकर ने अलग निर्वाचन की मांग वापस ले ली और समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 13 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन शुरू किया था। इसके बाद 24 सितंबर को एक समझौते पर दस्तखत हुए। इसके मुताबिक दलित वर्गों के लिए ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मद्रास, बंबई, पंजाब, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम, बंगाल और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं में कुल मिलाकर 148 सीटें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के लिए आरक्षित कर दी गई। इसकी अवधि 10 साल रखी गई। इसके बाद हिंदू समाज के प्रतिनिधियों की बैठक 25 सितंबर 1932 में हुई, जिनमें मालवीय जी के नेतृत्व में संकल्प लिया गया कि हिंदुओं में जन्म के कारण कोई भी अछूत नहीं माना जाए। जब उन्होंने पूना पैक्ट किया और पूना पैक्ट में हालांकि पहले जब कम्युनल अवार्ड के तहत उनको 78 सीट्स मिली, बाद में वो 148 हुई, दुगने से भी ज़्यादा हुई, लेकिन बात यहाँ ये प्रश्न नहीं था, वहाँ प्रश्न ये था कि इनके अस्तित्व उनके सम्मान की चिंता कौन करेगा। 148 सीट बढ़ने के बावजूद भी क्या समाज उनको स्वयं स्वीकार करेगा, ये बाबा साहब के मन में प्रश्न था। बाबा साहब ने एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जननेता, एक कानूनविद के तौर पर जो किया उसके केंद्र में हिंदुस्तान था। बाबा साहब की कल्पना में समता मूलक भारत की तस्वीर थी, जिसके लिए सामाजिक तौर पर मुहिम चलाने के अलावा बाबा साहब ने आर्थिक चिंतन भी प्रस्तुत किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा साहेब को मूल रूप से अर्थशास्त्री मानने वालों की कमी नहीं, वजह है बाबा साहेब का आर्थिक चिंतन जो पराधीन भारत से लेकर स्वतंत्र भारत तक में दिए गए उनके विचारों में बिल्कुल एक जैसा दिखता है, एक धारा पर दिखता है। बाबा साहेब ने इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांसिंग ब्रिटिश इंडिया पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शोध किया था, जिसमें ब्रिटिश भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर उनके विचार प्रस्तुत किए गए। बाबा साहब का शोध ग्रंथ बाद में एक पुस्तक के तौर पर भी सामने आया। बाबा साहब ने इसके अलावा अपना आर्थिक चिंतन एक और किताब के जरिए व्यक्त किया था। ये पुस्तक थी रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। इससे पहले बाबा साहब ने द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी यानी रुपए की समस्या नाम से एक किताब लिखी, जो 1923 में प्रकाशित हुई। इसमें बाबा साहब ने दलितों के साथ किसानों, कामगारों की स्थिति सुधारने और भारतीय मुद्रा को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये बात काफी कम लोगों को पता होगी कि बाबा साहब ने इसी पुस्तक के जरिए पहली बार सामाजिक बीमा योजना और फसल बीमा योजना का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया, जो मौजूदा दौर में भी प्रासंगिक है। दरअसल अर्थशास्त्री अंबेडकर की ये वो दूरदृष्टि है जिसे समझने, जिसकी समीक्षा करने और बाबा साहब के इस व्यक्तित्व से दुनिया को रूबरू कराने की कभी जरूरत नहीं समझी गई। देखिए, बाबा साहब ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में जो बात की कि कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन को हम लोग फॉलो करें, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो ये बात जो आज से 40 दशकों पहले, 60 दशकों पहले बाबा साहब ने कही थी, वो 1990 में हम लोगों ने अप्लाई भी की। तो आप देख सकते हैं कि बाबा साहब कितना दूरदर्शी रहे हैं कि उन्होंने इन सारे मसलों को बहुत पहले ही भांप लिया था। बाबा साहब के बारे में ये मानने वालों की कमी नहीं है कि बाबा साहब चाहते तो एक कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर या फिर एक कुशल विधिवेत्ता के तौर पर अपनी पहचान बना सकते थे, मगर बाबा साहब ने भोगे हुए यथार्थ को बदलने की शपथ ली थी। लिहाजा आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक बाबा साहब ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन ही जिया। हालांकि बाबा साहब किसी भी तौर पर पूर्वाग्रहों से दूर रहे, इसकी मिसाल दिखती है भारतीय संविधान में, जिसमें ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ने के लिए उन्होंने आम सहमत पर ही भरोसा किया, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों से हमेशा मुक्त रहे। देखिए, बाबा साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के संविधान बनाते हैं। 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन मुद्दों को लेकर के वो गांधी जी से प्रतिवाद करते हैं, उन मुद्दों को संविधान सभा में नहीं लाते हैं। पूना पैक्ट गांधी और बाबा साहब के बीच में होता है, जिस पर मालवीय जी हस्ताक्षर करते हैं गांधी जी के बिहाव पर। उस पूना पैक्ट की
मूल बातों को भी वे वहाँ नहीं लाते हैं, लेकिन इसी तरीके से वे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के पक्ष में हैं, लेकिन वो संसदीय व्यवस्था के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। बाबा साहेब की आर्थिक दृष्टि का मूल था सशक्त, महान और स्वावलंबी भारत का निर्माण। प्रजातंत्र को बाबा साहेब ने सर्वोत्तम व्यवस्था तो माना, मगर साथ ही ये भी जोड़ा कि समाज और विचार दोनों ही प्रजातांत्रिक होने चाहिए। कानून का पालन करते हैं और याद रखिए, तालाब कानूनन सबके लिए खुला। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की वकालत उस दौर में ही बाबा साहेब ने की थी। शायद उस दौर में अगर ये हुआ होता तो आरक्षण के नाम पर राजनीति का दौर कब का खत्म हो गया होता। मगर अफसोस, उस दौर के हुक्मरानों ने बाबा साहेब के दर्शन को समझने की जहमत नहीं उठाई। देश में राजनेता, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने रूप से, अपनी अपनी बातों से बाबा साहब का नाम लेकर के समाज के वोट बटोरने का काम करती हैं। लेकिन मैंने कुछ राजनीतिक दोस्तों से भी कहा, भाई कम से कम उस आदमी की बात पढ़ो तो सही। वो अगर संदर्भ में आप पढ़ोगे तो किसी को कोई झगड़ा करने का मौका करने का कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाती। बाबा साहब वैसे तो अगर मूलतः अगर हम देखा जाए तो बाबा साहब एक अर्थशास्त्री थे। धान में आर्थिक चिंतन की अगर हम कहें तो उनके मूल अधिकारों की जो उन्होंने जो चर्चा की है वो वास्तव में ये मूलभूत फंडामेंटल राइट्स, ये वास्तव में वो अधिकार है जो व्यक्ति को, व्यक्ति इस देश में करोड़ों लोगों को, वंचितों को अधिकार दिए। बाबा साहेब के राजनीतिक और सामाजिक विचारों में आजादी के पहले और आजादी के बाद के दौर में कुछ फर्क नजर आता है, मगर गहराई से विश्लेषण करने पर ये बात साफ तौर पर स्पष्ट हो जाती है कि दरअसल इसके पीछे भी वजह प्रखर राष्ट्रवाद था, जिसके चलते बाबा साहेब ने जिन विचारों को आजादी के पहले आंदोलनों और सत्याग्रह की बुनियाद बनाई, आम सहमत न होने पर उसे पूरी बना ली। बाबा साहेब इन अर्थों में किसी वाद का हिस्सा नहीं बने। मौजूदा दौर में बाबा साहेब को कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ने की भी हास्यास्पद कोशिश होती है, मगर वाद के विषय में उनका मत बेहद स्पष्ट था। इसकी वजह थी हिंदू सनातन संस्कृति में उनकी अटूट आस्था, जिसके ब्राह्मणवादी रूप से पीड़ित होने के बाद भी उन्होंने भारतीयता का दामन नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने उस समय लिखा, खासकर उनका विरोध ज्यादा था तो कम्युनिस्टों से, सोशलिस्टों से था। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो कम्युनिस्ट और ये सोशलिस्ट कहते हैं कि ये धर्म वर्म की बात कुछ नहीं है, हम तो कम्युनिज्म चाहते हैं देश में। उनका धर्म के बिना कोई समाज, कोई देश उत्थान नहीं कर सकता, कहीं कोई चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। धर्म एक बड़ी एक रीढ़ की हड्डी है इस देश की, समाज। जैसे ही हम वर्ग संघर्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सीधा सीधा हमारा चिंतन साम्यवादी चिंतन की तरफ जाता है, वामपंथी चिंतन की तरफ जाता है। बाबा साहब का ये मानना था कि भारत में जो लोग साम्यवादी चिंतन से जुड़े हुए हैं वे भारतीय मानस को ही नहीं समझते, भारतीय समाज को ही नहीं समझते, इसकी प्रकृति को ही नहीं समझते, और जो उनका उद्देश्य है वह भारतीय समाज के अनुरूप नहीं है। इस नाते उन्होंने स्वयं को घोषित तौर पर कहा कि मैं वामपंथियों का विरोधी हूं। बाबा साहेब के पूरे व्यक्तित्व पर गौर करें तो शोषित और वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करने वाले एक ऐसे जन नेता की तस्वीर उभरती है जिसके लिए राष्ट्र ही सब कुछ था। अगर तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते या अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। भारतीयता जिसका गौरव थी, इसका प्रमाण आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों दौर में मिलता है। बाबा साहेब के शोषित की परिभाषा में सिर्फ अछूत नहीं थे बल्कि किसान, कामगार और महिलाएं भी शामिल थी। आम ही इतिहास घड़वाला नाम की मराठी किताब में महाराष्ट्र में बाबा साहेब से प्रेरित कुछ महिला आंदोलनों का जिक्र है। इनमें 20 जुलाई 1942 को हुआ अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन और 1944 में हुआ कानपुर सम्मेलन प्रमुख है। इन्हीं सम्मेलनों में जाहिर किए गए विचारों से बाबा साहेब के मन में हिंदू कोड बिल का विचार उत्पन्न हुआ था। आजादी के बाद जिस हिंदू कोड बिल को बाबा साहेब ने संसद के पटल पर रखा था, दरअसल वो सिर्फ
किसी खास तबके की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि समूचे महिला समाज के लिए था। इसके लिए महिलाओं को परिवारों में सामाजिक आर्थिक समानता देने की बात थी। इस बिल के लिए बाबा साहेब इतने ज्यादा प्रतिबद्ध थे कि संसद में विरोध होने पर बाबा साहेब ने इस्तीफा तक दे दिया था। बाबा साहेब की विचारधारा की यह मजबूती भी उनके संघर्षों के प्रति अटूट विश्वास का नतीजा थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल भी उन्होंने पूरी तरह से लिखा बनाया, उसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में कम से कम एक चैप्टर में कम से कम 15 पन्नों में लिखा हुआ, और कई तरह की परिभाषाएं देने के बाद चैप्टर खत्म होने से पहले फिर लिखते हैं कि इस देश में जो इन चार लोगों को छोड़ के यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और पारसी समुदाय, इन चारों को छोड़ करके बाकी सबके ऊपर हिंदू कोड बिल लागू होगा। बाबा साहेब ने एक अर्थशास्त्री के तौर पर अगर संपन्न भारत का सपना देखा था तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से समता मूलक हिंदुस्तान भी बनाना चाहते थे। बाबा साहेब की डिक्शनरी में शोषित की परिभाषा विराट थी, जिसे एक दायरे में बांधकर आज पेश किया जाता है। बाबा साहेब के सपनों का दलित समाज आत्मनिर्भर था, सामाजिक बराबरी रखता था। जाहिर है ये बात अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहेब के सपने किस हद तक पूरे हुए हैं, मगर हाँ, उनके विचार आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें दोबारा पढ़ने, समझने और सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे फौलादी इरादों वाले राष्ट्रवादी लोग कहाँ मिलते हैं जो विचारधारा और संघर्षों के सवाल पर पद तक की परवाह ना करें। दिल्ली से अनुराग, गीतिका, लखनऊ से अमिता के साथ अंबुजेश कुमार, इंडिया 24/7।